बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेबंदगी। आज गुरुपूर्णिमा है। गुरुपूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई। गुरुपूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा पर गुरु अस्तित्व का एक विशेष स्थान है, लेकिन लॉकडाउन के कारण आज हम यहाँ प्रोग्राम नहीं दे पाए, इसलिए लाइव प्रोग्राम द्वारा ही मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। गुरु भक्ति को जितना बड़ा आयाम कबीर साहब ने अपनी वाणी में दिया है, किसी ने भी नहीं दिया है। हालांकि सगुण निर्गुण के अंदर भी एक खाना पूर्ति के लिए ही गुरु का महात्म है। सगुण निर्गुण में गुरु का महात्म है, लेकिन गौण है। जैसे आप देखें, हमारी व्यवस्था में, हमारी शासन पद्धति में सबसे बड़ा तो राष्ट्रपति है, लेकिन पूरी सत्ता कार्य आदि प्रधानमंत्री के हाथ में है। इसी तरह सर्वगुण निर्गुण में गुरु है बड़ा, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस गुरु का नहीं है। लेकिन संतत्व की धारा में और साहब ने आकर गुरु भक्ति को नया आयाम दिया। इतनी बड़ी अस्तित्व गुरु की सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। गुरु है बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे सो पार। आदि ये शब्द एक बहुत बड़ा गुरु का महात्म बताते। आखिर ऐसा क्यों? मैंने इस तथ्य को कई बार उठाया है। सर्वगुण में गुरु का महत्व गौण कुछ नहीं देता है, सिर्फ आपको एक दिशा देता है कि भाई शुभ कर्म करना, तीर्थ व्रत करना, देवी देवताओं की आराधना करना, ये फल मिलेगा। निर्गुण में भी गुरु गौण है। निर्गुण भक्ति में गुरु कहता है भाई योग करना, अपने अंदर की शक्ति को जगाना, इस तरह योग करना, बाकी करना धरना तुम्हें। वाह वाह। लेकिन संतत्व की धारा में कह रहे हैं गुरु तुझे पार कर देगा। और गुरु को इतना बड़ा आयाम क्यों दिया? गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। तो भाइयों आइए बताते क्यों कह रहे हैं गुरु के पास पारस सुरती है। पारस सुरत गुरु के पासा। ये पारस सुरती कहां से आई, वो क्या करेगी, इस पर साहब ने एक शब्द कहा है, भ्रंग बता होए जाए पासा, सोई गुरु सत्य धन दासा। ये पारस सुरती उसको परम सत्ता में लय होने पर मिली है, और उस सुरती से कंसंट्रेट होकर के आपको जब वो नाम देता है तो वो सुरती आप में छोड़ता है। इसलिए संतत्व की धारा में गुरु को विशेष महत्व दिया, यानी तुम्हें गुरु चेतन कर देगा। गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोई कोटिन करे उपाय। गुरु के बिना तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो क्या गुरु शास्त्र पढ़ करके आपको ज्ञान दे देगा, या कुछ और भी सूत्र हैं? शास्त्रों की निंदा करना बेवकूफ़ी है, किसी भी धर्म की निंदा करना बेवकूफ़ी है। ये दिगर बात है कि लोग धर्म पर नहीं चल रहे, धर्म ग्रंथों को नहीं मान रहे, ये अलग बात है। लेकिन कम से कम दुनिया के जितने भी धर्मशास्त्र हैं एक चीज़ तो बताते हैं, अशुभ कर्म वर्जित बोलते हैं, शुभ कर्म करो।
तो उसके पास जो पारस होती है उसी के द्वारा वो आपके अंदर एक ताकत छोड़ेगा, वो नाम है। अब यहां साहब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द भिन्न मिटे न भरमा। कोट और इनके दर्शन का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप किसी विरोधी अपराधी किस्म के इंसान को देखते हैं तो आपको एक पीड़ा मिलती है। जब आप प्रियजन और सज्जन को देखते हैं तो आपको एक आनंद मिलता है। इसलिए दर्शन सफा दीदारे नफा, यहां साहब ने गुरु के दर्शन को विशेष महत्व दे दिया। आपके पास ऊर्जा आएगी जब आप दर्शन करते हैं, तो एक प्रकाश की किरणें आप तक पड़ती है और वो किरणें आपके अंदर अध्यात्म ताकत देगी। तभी तो साहब ने वाणी में फरमाया गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आंसू या का मेह जिम बहुत करे उपकार। इसलिए फिर साहब वाणी में क्या कह रहे हैं, अब देखिए पूरी क्रेज गुरु को दे गए साहब। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं उत्साह, परमात्मा मदद नहीं करेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कितने सुंदर अलंकार से कहा, श्री गुरुपद नख गण मण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तो इस तरह से अगर उनको बहुत बड़ा महात्म दिया तो एक इसका विशेष कारण है, बहुत बड़ा विशेष कारण है कि गुरु उसी पारस सूत्र से आपको जगा देगा। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, भ्रंग मता होए जय पासा सोई गुरु सत्य धम दासा। बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे हैं द्रव्य कुछ संकट नाही। दुनिया के अंदर बहुत से गुरु हैं जो केवल आपका धन चाहते हैं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान उनके पास नहीं है। तो ये नाम की दौलत जब गुरु देता है, इसलिए संतत्व की धारा में इतना बड़ा महात्म गुरु को दिया गया। गुरु सेवा में सब पल फल पाए, बहुत हंसा भव जलाए, गुरुमुख होए परम पद पाए। वाह, तो आइए देखते हैं गुरु निंदा छोड़ो सजन, गुरु अस्तित्व मन धार, गुरु को राखो शीश पर सबित करे गुहार। अब गुरुमुख होने से वाह क्या लाभ है वो सुने, आगे क्या बोल रहे हैं, सदगुरु मिले परम सुखदाई, जन्म जन्म का दुख नशाई। आपने जितने भी आप कभी कभी उदास हो जाते हैं, कभी कभी आप खुश होते हैं, कभी कभी आप चिंताओं में डूबते हैं, जन्म ये क्यों अंतःकरण में कई जन्मों के कर्म हैं, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा।
सदगुरु मिले तो अगम बताए। अब यहां सदगुरु शब्द का उच्चारण हुआ, यम की आज ताह नहीं आए, वो एक कवच दे देता है, अद्भुत नाम सदा रखवाला। आप समझिए, पहले आपको एक कवच मिलता है, वो नाम की ताकत हमेशा आपकी सुरक्षा करेगी। सुख संपत्ति अपनो नहीं प्राणी, समझ देख तुम निश्चय जानी। सुख संपत्ति अपनी नहीं है, इसे समझ के देख। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरबिन होवे सब ही लूजा। लूजा लंगड़े को कहते हैं। अगर आदमी बिना गुरु के तीर्थ जप जप योग कर रहा है, उसका कोई फल नहीं, सब निष्फल जाते। एक समय था ऐसा, गुरु विमुख के, गुरुहीन के हाथ से कोई जल भी नहीं लेता था, क्योंकि गुरुहीन बिना गुरु किए हृदय शुद्ध नहीं होता, ऐसी परम मान्यता थी इस संस्कृति। धारा धोए भल जगमाई, ग्रह वैराग्य बिन और नाई। इस संसार में जीवन पद्धति की दो धारा है, एक ग्रस्त एक व्रत। यूरोप में तो ऐसा है, आवारा गर्दी चलती है बहुत ज्यादा, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सोशल लाइफ नहीं है, इसको वो एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वहां फीमेल अपना लाइफ पार्टनर ढूंढते। लेकिन भारत की वो कहते हैं वेल्डन इंडियन, बहुत अच्छे हैं भारत, ए वाइफ इन ए लाइफ, एक ही स्त्री से पूरा जीवन बसर करते हैं। और कुछ विदेशों में भारतीय लड़की से ब्याह करना चाहते हैं, वो कहते हैं ये जीवन भर साथ निभाती है। तो यहाँ की पद्धति ऊंची है। तो साहब कह रहे हैं दो धाराएं हैं, ग्रस्त व्रत। आप ग्रस्त में रहकर भी परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, विरक्त में भी कर सकते हैं। दो गुरु की कृपा से पाए, गुरु बिन भेद सो कौन बताए। इसलिए दोनों को ही मोक्ष मिलता है, लेकिन ग्रही अपने को तारता है और विरक्त बाकी संसार को भी मार देता है। कर त्याग सब गुरु को दीजिए, पारक पाए सदा सुख लीजिए। वाह, ग्रही रहे भक्ति अनुसारे तन मन धन। अब यहां तन मन धन अर्पण करने की क्या जरूरत, क्या गुरु लालची है क्या? नहीं, आत्मा इन तीन चीजों को ही अपना मानकर बंधन में है। सबसे पहला भ्रम यह है कि मैं शरीर हूं। दूसरा भ्रम यह है कि ये धन ये संपत्ति ये मेरे हैं, बाल बच्चे मेरे हैं। तीसरा भ्रम है मन, इसी मन से संकल्प विकल्प होते हैं। ये तीनों दो, उसके बाद जो बचता है वो तुम हो, वो है आत्मा। दसवां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। आखिरी दसवें अंश की बार बार बात क्यों उठ रही है? मेरे गुरुदेव जिसको दीक्षा देते थे उनको कहते थे दसवां अंश गुरु को देना। पहली बात है ये दसवां अंश गुरु, लेकिन मैं नहीं बोलता हूं। क्यों? क्या मेरे गुरु जी लालची थे? नहीं, मैं जानता हूं शब्द किया आदमी पूरा नहीं कर पाता है। मेरा एक सर्वे है, ओनली 3-4% आदमी दसवांश दे पाते हैं, बाकी नहीं तो वो शब्द कट जाता है। आखिर ये दसवांश गुरु को, ये सिखों में भी बदलती है, क्यों देना? उसी धन से वो एक उपक्रम है, देगा तो साहब उससे वो कार्य करेगा। संत भी दो प्रकार के हैं, एक रमता एक मठाधीश।
रमता कोई आश्रम नहीं बनाते हैं, उन्हें धन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए साहब रमता संत थे, उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया था। दूसरे मठाधीश वो मठ या आश्रम बनाते। अब एक सवाल उठा कि वो मठ आश्रम क्यों बनाए। सुने, आज हमारा पंथ पूरे विश्व में फैल गया। मैं देश की सभी राजधानियों में जाता हूं और 220 आश्रम भारत में बनाए हैं। अमेरिका में भी हम रजिस्टर्ड हैं, ब्रिटेन में भी है। मैं घूमता हूं। अब आप सुने, दो कारण है। जब मैं अमेरिका जाता हूं, 2 घंटे का सत्संग करने का वहां किराया और भोजन का मिलाकर 5 लाख रुपए लग जाता है। चाहे आदमी 100, 200, 50 हो, यहां 50-50 हजार आदमी आते हैं तभी भी 5 लाख रुपए नहीं खर्चा होता। दूसरा फिर उनकी लिमिटेशन है। इस तरह चंडीगढ़ में पहले मैं राजस्थान भवन में सत्संग करता था, वो मुझसे पैसे लेते थे। लखनऊ में भी सामुदायिक भवन में करता था, वो पैसे लेते थे। बंबई में भाटिया मेरे जाल में सत्संग करता था, वो मुझसे पैसे लेते थे। अहमदाबाद में सत्संग करता था, वो मुझसे पैसे लेते थे। और पैसे सभी बहुत ज़्यादा लेते थे। इस तरह मैं लुधियाना में सत्संग करता था, यूनाइटेड साइकिल हॉल में, वो भी हमसे पैसे लेते थे। इसी तरह देश के सभी कोनों में जहां मैं सत्संग करता था, वो मुझसे मोटी रकम लेते थे। खैर, रकम तो देते थे, इससे क्या होता था, आदमी कंफर्म नहीं होता था। कभी वो हाल मिलता था, कभी नहीं। जब दूसरी जगह होता था दिक्कत आती थी। इस तरह फिर हमने अपने आश्रम बनाने शुरू किए। अब जितनी जितनी मेजर सिटीज हैं और 4 महानगर हैं, वहाँ वहाँ अब कलकत्ता में मैं देता था मारवाड़ी भवन में, वो भी मुझसे पैसे लेते थे। आजकल एक ये सिस्टम बना हुआ है, सराय में, धर्मशाला में, धर्म स्थानों में लोग जब स्थान लेते हैं पैसा लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनको बिजली का बिल देना पड़ता है, उनको पूरी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। लोग ऐसे दान नहीं देते, इसलिए वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन लेते थे। कहीं कहीं कम लेते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा लेते हैं, कहीं कहीं तो फिर बढ़ाते जाते हैं। इवन मैं ऐसे हालों में भी प्रोग्राम करता हूँ ओपन में, तब भी गवर्नमेंट के हैं वो, वहाँ भी मुझसे पैसे लेते थे। मैं मंडी में सत्संग करता था, भूतनाथ मंदिर में, वो भी पैसे लेते थे। इसलिए फिर मैंने उन सभी जगहों पर आश्रम इस्टेब्लिश किया। इससे लाभ क्या हुआ, संगत बढ़ी और दूर दूर से लोग आते हैं तो उनको रहने की व्यवस्था मिलती है। इस तरह ये अंश जो कहा वो गुरु वहाँ लगाता है। इससे तुम उस इससे बड़ा कोई गुरुबिन दान जो देते हैं, गुरुबिन दे लेते नाम, बिन गुरु दान हराम है, बूझो वेद पुराण। इसलिए साहब ने ये तकाजा किया। सदगुरु के सब आगे धरिए, शीश नाय गुरु दंडवत करिए। गुरु से भेज जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बोंदु शीश न दे सके, राख जीव अभिमान। यहां तक कह दिया कि खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। क्यों? अपने आपे को मिटाना है। आपकी आत्मा आपे में फंसी है। आपका यही तो है कि मैं फलाना हूं, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, ये आपा है, इसमें फंसी है। तो ये आपा खत्म करे। गुर से रहे सदा मन जोड़ी, जस नटवा चढ़त हैं डोरी।
जैसे नट डोरी पर अपनी कला दिखाता है, सब कलाएं दिखाने के बाद भी अपना ध्यान उसने डोरी पर रखा है। पारख तार चढ़ी भय न पावे, छेड़े पारख शूर हो जाए। लोपे नहीं सदगुरु की वाचा, सो सदगुरु का सेवक काचा। मैं एक बात कई बार बोल चुका हूं, ये 5 दिसंबर को मुझे 50 साल हो जाएंगे दीक्षा देते। इस छोटे से जीवन में कोई व्यवसाय कोई कार्य 50 साल करना बहुत बड़ी बात है। औसत आयु ही 58 साल है, तो मैं पिछले 50 साल, इस 50 साल के दरमियान में मैंने कुछ अनुभव किया। गुरुमुखों को क्या क्या प्राप्त हुआ, कैसे है, जो मनमुख हुए वो क्या हुआ, इसका मुझे बड़ा अनुभव है। मैं आपके सामने जो बातें रख रहा हूँ ये मेरे बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है। सोई शिष्य पावे पारख बाटा, सोई पावे सत्य से बाटा, वही सत्य तक पहुंच पाएगा। नानक देव जी ने गुरुमुखों पर बहुत बड़े शब्द कहे, गुरुमुख लाह ले गए, मनमुख मूल गवाए हो जियो, लाह ब्याज को गया। वो तो गुरुमुखों को तो सब, अब साहब कह रहे हैं गगन मंडल में उर्ध्वमुख कुइयां, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। इसलिए गुरुमुख होना तो जरूरी है। कहे सोई शिष्य पाए पारख बाटा, सोई पावे सत्य की बाटा, निर्मोही सदगुरु की रीति, साचा सेवक लावे प्रीति। और आगे कह रहे गुरु से प्रीत कठिन रे भाई, बिना प्रीत नहीं काज सिधाई। मिल पारक सब भय मिट जाई, गुरुमुख शब्द सदा लो लाई। वाह, गुरुमुख हमेशा सत्य शब्द पर चलता है और ला लाता है। निज पद जान दया सो करई, बंधन जीव छुटावन लय, केतिक पारक प्रभु के पावे, जरा मरण जम जाल मिटाए। जिन जीव रहे पारक प्रभु के रा, महाराज जम जीव जीव निवेरा। गुरु महिमा पूरण भई सदगुर कृपा केन, संतन की वाणी बहुत यामे संग्रह लीन। अभी कह रहे हो गुरु महिमा सबसे अधिकाई, शिव शिवा प्रति यही दृढ़ई। वाह, गुरु की महिमा अनंत है। व्यास वचन और वेद है गाया, गुरु से अधिक नहीं रघुराया। देखा, गुरु से अधिक नहीं हुई। अब साहब कितने सटीक शब्द बोल रहे हैं, वो शब्दों में वजन है। राम कृष्ण से को बड़ा, भौतिक में उनसे कोई बड़ा नहीं। तिन भी तो गुरु कीन, उन्होंने भी गुरु किया। तीन लोक के नायका, गुरु आगे आदिन। वाह वाह, सदगुरु कभी रही परखाए, धर्मदास गुरु महिमा गाए। जेते भय जग बुद्धिमत धारी, सब गुरुमा कीन गुरु महिमा कीन उचारी। सभी ने बड़ी महिमा की है। सबका सार या मध पये, अभिया की महिमा सुन लिये। तीनों संध्या जो यही पढ़ी, छाड़ कुमारक सतपत लाई। साची श्रद्धा मन में लाई, भूज भूज के पाठ करे। बिन बीजे जो धुंधा नेरा, पर अभिमान खाए जग फेरा। गुरु के लक्षण भरवित जान याचे,
यम बंधाते तभी बाजे। बूझ विवेक सहजो पड़े गुरु महिमा अखबार कहे कबीर दीन दयाल थे तुरंत उतारे पार। योग यज्ञ और जब तप आए गुरु महिमा सफल लहे गुरु की महिमा। विष्णु सहस्त्र और भगवत गीता भागवत आदि पाठ पुनीता एक बार गुरु महिमा पढ़े सो फल सभी क्षण में लहे। काशी क्षेत्र बहुत दाने गया प्रयाग पुष्कर स्नाने सोफल सभी या में पाए श्रद्धा सहज जो पाठ कराए। निर्मल होए पाठ जो करे सोनर सहज भवसागर तरे। अब यहां साहब गुरु महिमा का बहुत बड़ा महात्म दे रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा भी है। पार ब्रह्म को आज मनाऊं गुरु संतन वंदन करूं ऐहे सुख को पूर गुरु महिमा वर्णन करूं श्रीधर पद रज धूल संत सवेश्वर ओपरे निष्प्रही निज नाम सबके मस्तक मुक्त गुरु पूर्वे मन के काम। आइए पार ब्रह्म का आदि मनाऊं जिनकी कृपा गुरु चरणन पाऊं गुरु सोई सब सृजन हारा गुरु की कृपा होए भव पर हरि कृपा जो होए तो नहीं होए तो ना पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। सब इष्टन में सदगुरु सारा जो सुमरे पुरुष हमारा वाह गुरु इष्ट सबन से भारी गुरु समृत चैन सर खड़े कमी काह तह दास रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साहब। शरण होए शिशावे कोई सहज पदार्थ पाए सोई वाह। अब यहां उल्लेख आ रहा है गुरु सुरती सुरधेन समाना आवे शरण मुक्ति परमाना। सुरधेन के समान है गुरु का ध्यान गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। मन मानसित फल पावे सोई प्रीत सहज जो सुमरे कोई। वेदों में भी ध्यान मूलम गुरु रूपम और साहब ने बोला भी है श्लोक अनुवेद का सहस्त्राणी कल्प काशी बसंत यत्फलम क्षणार्धि गुरु शब्द चिंतते यत्यधिकम। मैं 3 साल संस्कृत भी पढ़ाऊं गुरुबिन पदार्थ और न जाने आज्ञा मेट और नहीं माने। तन मन धन अर्पे गुरु सेवे होए गलतान उपदेश लेवे गुरबिन पदार्थ और न जाने आज्ञा मेट और नहीं माने। सदगुरु की गत हृदय धारे और सकल बकवाद निवारे बाकी चीज में न जाए। गुरु आज्ञा ते आवही गुरु आज्ञा ते जाए कहे कबीरता दास को 3 लोग डरना है। गुरु के सम्मुख वचन न कहे सोशिष रहन गहन सुख लहे। गुरु से बैर करे शिष्य जोई भजन नाश और बहुत भुगोई पीढ़ी सहित नरक भरी है गुरु आज्ञा शिष्य लोपन करी है। हाँ लाभ भी बता रहे हानि भी इस तरह से गुरु से विवाद नहीं करना गुरु का कथन मान सब लीजिए सत्य असत्य विचार न कीजिए। चेला अथवा उपासक होई गुरु सम्मुख ले झूठ समोई। चेला उपासक या कोई गुरु के आगे झूठ बोल रहा है निश्चय नरक करे शिष्य सोई। निश्चय नरक पड़े शिष्य सोई
वेद पुराण भनस सब कोई वो नरक का अधिकारी हो जाते हैं। सन्मुख गुरु की आज्ञा आधार है और पासे ते सकल निवारे शोषिश घोर नरक में पड़े हैं रुद्र रात पीवे नहीं तरिए। वो मवाद और रक्त के नरक में जाकर वास करता है। मुख पर वचन करे परमाना घर पर जाए करे विज्ञान वहां हा बोले घर में जाकर कूटी करे जहां जावे तहां निंदा करे शोषिश क्रोध अग्नि से जले अग्निकुंड में जाकर पहुंचता है। मैं तो लोगों को कहता हूं पहले जो गुरु किया उसकी भी निंदा नहीं करना ठीक है। आप आठवीं से पास होकर अगर प्लस टू से पास होकर कॉलेज में आए अच्छा है प्लस टू को आप नकारो नहीं ठीक है छोड़ो आपने छोड़ दिया उसे आप ऊपर आए उनकी भी निंदा न करो। ऐसे शिष्य को ठोस जो नाए गुरु रुख लोपत है मनमाही वेद पुराण कहे सब साक्षी साक्षी शब्द शब्द सबे सौभाग्य मानुष जन्म पाकर खोवे सदगुरु विमुख युग गुरु हुए। ताते सदगुरु शरणा लीजिए कपट भाव सब दूर करिए कपट छल ये दूर करके योग यज्ञ तप दान करावे गुरु विमुख फल कभो न पाए। गुरु विमुख को कोई फल नहीं मिलता है चाहे वो कितने भी कोशिश करे कितने भी यज्ञ करे कितने भी दान पुण्य करे। गुरु ही जब तक तीरज कही वाह गुरु ही साच और मिथ्या कही सतगुरु बिना मुक्ति नहीं कोई ऊंच नीच भावे जो हुई वाह गुरुबिन मोक्ष मिले नहीं कोटिन करे हुआ। आत्म ब्रह्म गुरु थे मेरा ताके शरण आयो मैं चेरा चार युगन से संत है भयो ब्रह्म रूप हो परे गयो जो जाना है गुरु संग प्रभाव लोक वेद न आन प्रभु गुरु आज्ञा जिन जिन लही सचो सकल विधकाज नरक रूप जग दूर धरियो श्री गुरु महाराज। दुई कर जोर गुरु के आगे करे विनती चरणन लागे अति शीतल बोले सब बहना मेटे सकल कपी के गप के बहना हे गुरु तुम हो दीन दयाला मैं हूं दीन करो प्रतिपाला। विनय अंग की साखियों में साहब ने एक जगह पूरा विराम लगा दिया वाह सात सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है सात समुद्र की मस्ती करूं लेखन सब बन रहा है जितने भी जंगल हैं इन सबको मैं कलमे बना दूं और सात समुद्र की शाही बना दूं सब धरती कागज करूं पूरी पृथ्वी को कागज कर दूं गुरुगुण लिखा रहे गुरु की महिमा अनंत है मोह से कहा न जाए गुरु गोविंद दो एक स्वरूप नाम रूप यह भेद अनुपा। देखिए साहब ने तो इतनी बड़ी महिमा कह दिया हे गुरु तुम वो दीन दयाला मैं हूं दीन करो प्रतिपाला तुम बंदी छोड़ अथित अनाथा भव जल भूरत पकड़ो हाथ तुम बंदी छोड़ो मैं डूब रहा हूं कृपा करना देव देश गुरु मंत्र सुनाओ जन्म मरण बहुत दुख छुड़ाओ यो अधीन होए शिष्य भई शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी चालाकी नहीं करना छल नहीं करना कपट नहीं करना ये बहुत बड़ा दोष है ये तो किसी से भी नहीं करना। गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे मन क्रम वचन धरे धन आगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं तरह तरह के लोग आते हैं एक माई आई नाम दान लेने के साथ बोला 5,000 रुपये दो बोला मुझे 5,000 नहीं दिए मैं चौंक गया मैं कहा भाई 5,000 रुपये मांग रही है तो मेरे एक शिष्य ने बोला गुरुजी लोगों ने दुनिया में ये फैला रखा है कि ये साहेबंदी वाला धर्म बदलता है
और नाम दान देने वाले को 5,000 रुपया देता है। मैं कहा धन्य हो, इसी बहाने ये भी पहुंच गई था। तो कहने का मतलब यह है संसार, इसमें अष्टुत निंदा चलती रहती है। आप नेगेटिव नहीं जाओ, आपकी जो निंदा कर रहा है हमेशा उसके लिए सोचोगे, नेगेटिव हो जाओगे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप हमेशा पॉजिटिव रहो। जो कोई तो को कांटे बोए उसे बोओ तुम फूल, तुम्हें फूल के फूल है उसको है तुझे। तो जी वो आदमी ने बताया, गुरुजी सब तरफ ये प्रचार किया है, ये नाम दान देने के टाइम पर 5,000 रुपये भी देता है, इसके पास फॉरेन का बहुत पैसा आता है। निंदक जो होता है झूठ बोलता है तो वो निंदा किसको कहते हैं, निंदा पाप है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा ना हो। निंदा वो है किसी का दोष नहीं हो बढ़ाकर बोलना, वो निंदा है। लेकिन किसी का दोष बोलना निंदा थोड़ी है। अरे रावण ने सीता जी का हरण किया तो हम सभी रावण को गाथा गाते हैं कि उसने ऐसा किया, ये कोई निंदा है क्या? नहीं। अगर यूं कह दें रावण ने द्रौपदी का भी हरण किया, ये हो गई निंदा। तो साहब वाणी में कह रहे निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न हो। तो बंधु आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर मैंने आपको गुरु महात्म पर बातचीत की, बड़ा व्यस्त था आज मैं, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा, अब आरती होगी साहेब।